विश्व का एक अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ राम की पूजा राजा के रूप में होती है और उन्हें सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सलामी दी जाती है। बैक टू माय चैनल स्पार्कल नैना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बनी रहिए वीडियो के अंत तक। ओरछा को दूसरी अयोध्या के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर राम राजा अपने बाल रूप में विराजमान है। यह जनश्रुति है कि श्री राम दिन में यहाँ तो रात्रि में अयोध्या विश्राम करते हैं। शयन आरती के पश्चात उनकी ज्योति हनुमान जी को सौंपी जाती है, जो रात्रि विश्राम के लिए उन्हें अयोध्या ले जाते हैं। सर्वव्यापक राम के दो निवास है, खास दिन ओरछा रहित है। सैन अयोध्यावास शास्त्रों में वर्णित है कि आदि मनु सतरूपा ने हजारों वर्षों तक श्री साई विष्णु को बाल रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। विष्णु ने उन्हें प्रसन्न होकर आशीष दिया और त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और कलयुग में ओरछा के राम राजा के रूप में अवतार लिया। इस प्रकार मधुकर शाह और उनकी पत्नी गणेश कुंवरी साक्षात दशरथ और कौशल्या के अवतार थे। त्रेता में दशरथ अपने पुत्र का राज्य अभिषेक ना कर सके, उनकी यह इच्छा भी कलयुग में पूर्ण हुई।